तो दगड़ियो मेरे थाले अगर रेडी। तो दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये कद्दू कितने किलो का होगा। पेड़ अभी कुमारों के पौधे जम रखे हैं ये देखो, और मुझ पे क्या हरे चिपक भी गए हैं ना। और मम्मी कद्दू गिर गया, बच गया बे, बच गया। हमारा घर दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। स्कूल में कहीं बहुत गलती। अब नारायण नगर त्यार मैच चाय की घूट की इंतजार हो रही है। श्री श्री 1008 अम्मा रानी द्वारा गड़ियों आ बेसन पूरो कट जो छे कि गुना निकाली जा रही है। ना ना नो ताल गुना सोच रही हूँ मैं, और ता मैं आप की बनू राय पढ़ थी हाला की पढ़ा मैं दिखी जालो। तो दोस्तों मेरे दो भाई आ रखे हैं, कैसा लग रहा है फिर हमारे यहाँ, कैसा लगा? दिगो ला पाग्यन आहा आहा लो ला 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 पाग्र ला लो। गुड मॉर्निंग यार दोस्तों, कच्छा तम सब जन आहा। और ये रे माई हल्की हल्की गुनगुनी धूप लग रहा है आहा। और हमार लूट सुनी मेहनत सास बुआरी ने, और ये हमार अखड़ो रूग पत्याल नया है कि ज्ञान एक दिन ब्याल लग रहे नहीं माँ हा। और ये हमारा पैप, और ये हमारा किचन, ये हमारे देवी जी कदू बड़ी हुली बना रहा हा हा। ना इतना कपाड़ पहन बेर कि गुना न जदू टी शर्ट जन जाड़न मले कह लगाई हुई थी टी शर्ट, सब टी शर्ट अपने हट है यार की करूँ। तो चाबे पर गुर आएगी एक फूल माला बनो अको, और शेल जगो शेल जगो, और एक पीठान थाल तैयार कर, पीठान लगा ली। ये नारियल ले लिया बिल्ली हूँ फूल वाल, नारियल फोड़े खुटन मने खुटन में दाओ बे मेरा लोग ना गोर आई का छड़ जो खान पीना हुए गोर उन्नी मरी रहे तैयार हो पाई शेल एल जोगो। अच्छा ये नारियल दान फोड़ माँ फूल माला बनो मारे गालू ना लिफ्ट है आप मोटा जी गता जी देते हैं तेरा कुल टीवी बेरा मी टीवी गता जी दे आप मारे रतलित सन ब्यालित सन आहा चाह गिलास अलग अपन बाटा नहीं दूधा गिलास दे अपन बाट दे क्या लगा लिया मत सुन क्या। अरे भाले हाल जाए याद है अरे बकार धान धोने के छन ने अभी हमें क्या भाड़ा हाल नहीं बना रखा पाइगे न लगी तो चाद 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 खाइज ना तेम दवा हाल खा तो ध्यान से देखिए गाइज मेरे गाइज आप भी देखिए तू पराल मल की कर तै रोड पकम से रूम दे बाहर हाल जा रहा तुम रूम यार ना पागरेन पागरेन ना पागरेन आपको बाद में दिखाया जाएगा अभी बंद कर देते हैं ये बाल्टी ले जाते हैं बाहर क्या बंद कर देते हैं आज लड़की अब शुभ कार्य हमारी श्री श्री 1008 अम्मा देवी देव द्वारा होगा ये आगे नहीं आऊँ यह क्या भाड़ा हाल नहीं कि हम मतलब एक्सपीरियंस चला दुआ खाली बर्बाद ना रहा वो जितना आज जो दे वो जो रहा है बोलो खड़े चल बड़े हाँ जी जय श्री राम भैया दिगो ला पाग्यन आहा आहा लो ला 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 पाग्रन ला लो ये तो वह खाली पूर्ण कर आज तो मुझे तो लो पाग्यन हरन पीला हा ते क्या लगा यं पार चमक दो हफ्ते की मियो आज दो हफ्ते चल जाला मायो ने कली दे क्या लगा लगा ली दूध क्या लगा कोई चीता रचे तो गितू रशारा रोड पाकन में गयी हो और नाश्ता तैयारी चल रहा है आगे ना बोलो मुझे यार तशीर रशार से थे
रोटी बन रही है मेरी मॉर्निंग में। आजकल तुम स्कूल नहीं जा रहे हो क्या बात, छोड़ दी स्कूल की नौकरी? आजकल तुम हर दिन घर ही दिख रहे हो मेरे ब्लॉगों में। एक दिन बाद नहीं दिखूंगा। फिर कहाँ जा रहे हो? इंग्लैंड, वीजा लग गई मेरा, पासपोर्ट बनाया मैंने। तो फाइनली दोस्तों हमारे घर पे एक नया मेहमान आ चुका है, तो जिसकी हमें तलाशती हमें मिल चुका है, और आज मॉर्निंग के टाइम पे हम उसको लेके भी आ गए हैं। वैसे हम लोग नहीं लाए, जिनकी गाय है वही लेके आए। तो कैसी लगी हमारी गाय आपको कमेंट करके जरूर बताना। तो नई गाय को नजरिया भी लगा दिया है ताकि इसको किसी की नजर ना लगे। वैसे नजर लगने ऐसा तो नहीं है, हैं? घर आने तक सारी व्यवस्था हो गई है इसके लिए। ये देखो भैया, मत कर। इतनी भयंकर वाली फाइट हो रही है दोस्तों, ऐसे लड़ रहे हैं क्या बताऊं। अभी दूसरी वाली जो गाय है उसको हमने गोठ में बांध दिया है, वो अभी दूध दे रही है। तो आजकल ही आ रखी है तो 3 टाइम दूध देती है। तो दोस्तों मेरे 2 भाई आ रखे हैं सिर्फ अमरूद पहुँचाने के लालच से, घर के अंदर नहीं घुस रहे हैं ये। तो चलो बोल रही हूँ, चल नहीं रहे हैं। कैसा लग रहा है फिर हमारे यहाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छी जगह है, मज़ा आ गया। अच्छा लगा तो चलो ना फिर, चाय पानी भात अगली बार दाल कब आओगे? अब मौकी से तो घर आ रखे हो, अब तो तुम फिर चले जाओगे, ये भी कहीं चले ही जाएंगे। जाएंगे कभी, छुट्टी तो आए रखे हो ना, वही होगी मुलाकात फिर। अब दोस्तों मेरे भैया लोग आ रखे थे, अभी घर तक नहीं आए, मार्केट में काम भी आए करे थे, फिर कहीं घूमने जाते हैं भी करे थे, तो इसीलिए मम्मी ने थोड़े बहुत अमरूद भेजे हुए थे। आजकल मायके में अमरूद पकड़ रखे हैं, हमारे यहाँ नहीं होते हैं, तो इसीलिए मम्मी ने भेजे हैं थोड़े बहुत। और जो थैला था वो पापा लेके चले गए हैं, पापा भी घर आ गए हमारे। अभी मैं खाली आज जा रही हूँ, थोड़े दिन से यहीं बातचीत करी, अच्छा लगा। जब कोई मायके से आता तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मेरे मायके से मेरे भाई आए थे तो ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे। तो भाई थकान भी हो गई है, ऐसा बोल ना कीड़े पड़े होंगे तो उंगली से साइड कर देता हूँ फिर खा लेता हूँ। इसको लगी हुआ ना, जैसे इलाक कीड़ों को लगी हुआ, जैसे टिबुल पर में रखो ना फिर खा पालों को लगी हुआ। बिल्ली क्यों रही है फिर खा पाल दे, मीठे हो रहे हैं खट्टे नमक पगी वाले खन हुई ना, मैंने तो कच्चा भेज रही मेरे को घर की, कच्चा ही करी मैंने। गड़ियो गुड मॉर्निंग का छतम अल्लाह उठून भरियो दिन 3 बार रहना एल रहे मेरे गुड मॉर्निंग की नाम को यो आज गोरलियो ना खुशी में नान नानो ता लगूँ ना सोच रही हूँ मैं, और ता मैं आप की बनूँ राय पढ़ छी हाला की पढ़ा हाला दिखी जालो नान नान चाह और पकौड़ी बनाए भेर आनंद लेना सोच रही हूँ, और खाए भेर लागू बाटा नान काम ले कर दी क्या लोल न हो। तो देखो अल्लाह कि जब बन कस जब बन कस जस हो चाव अल्लाह आया ला रही थी याद गुरु कपाल क्या भाई मैं रात तक की खोते थे नान की हुनान आरती शेल जगाइए की नाम गयो नानो माल बनाइए की नाम गयो एक नारियल दानो हाला पोर दिन लिया ये फोड़ दिनी बखत खुटन दिगो ला आज तो भिगमिन खुटा ना दे रू तो दगड़ियो मेरे था ले अगर रेडी दगड़ियो आ बेसना पूरो कट जो थे कि उन्हें निकाली जा रही है गोर उन्हें खुशी में आज तीयो उन्हें बटी मतलब मतलब खुटन बटी खुटन बटी मतलब दीदी हम उन मलगे हिंदी है शाज बुआरी यार को ता लगा कुमरी को पिना लगा कुमरी हाला मजू बामण अरे ठीक से ठीक से ताला गुमरा ता। चाय की घूट की इंतजार हो रही है श्री श्री 1008 अम्मा रानी द्वारा यहाँ विराजमान होकर समस्त
समस्त ग्रामवासियों को नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। कैसा चिता रहे हैं आप? आज नया गुरु लाए हो, कैसा जैसा आपको अनुभव हो रहा है? कृपया अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। चावे आप खाली दूधा गिलास छ ना हो, दे अपन वर्ष दे क्या लाफन वर्ष। आहा चावे एक बात बताऊं दे, एक घोड़े गयो अंको, ये घोड़े गयो कुछ है ना, दरिद्रता दूर करना को ना पत्ने जे को ना के छिते तेर पाते के तोड़। हाँ शास्त्र तले खूब जानने रे भई, नहीं डिस्टेंस लर्निंग हमारा अमाल्य करीब है दोस्तों। हमारा अमाल्य जो से बहुत दूर जा फिर पढ़ रखा है, लेकिन एक दिन दिन का उधेल भेटी एक ग्वाल लाख जन्म मन लाग गयो दे भाई। नदी हमार आमा एल प्रवक्ता हुन कति ठूल इंजीनियर हुन कि करी बिचारे आम अने उल काल बिगड़ गए नली आम गलत उम्री को न दुई दिन स्कूल गए भल तिहार दिन है एल जो से बल्द थमाए भले नह गए भल ग्वाल साँच कुमरी को तो हो खुणा मैल तिहार रहा मैं था देर रहा लोग नहरी कि दुई दिन गए स्कूल तिहार दिन हो जय श्री राम कर दे। आ ततन फूल तू तो पट्टी ले ततन जी की बात बताए तो अरे तो तू नहीं बिहार ले खुड़ तू के नहीं लागे नी रात तीन दिन तो नहीं बिहार खुड़ क्या लगे भाई माया चल ठीक से हाँ मिलनो चाय की साथ बड़ी पागल में के नहीं हो लग गया है। और गुरु नाम मैं सर राग रखे सर ना दीदी मालम गुरु नाम मैं सर राग रखे और वो जंगल चढ़ने भी वाला अपन प्राचीन काल में आ तो कहो की नाम को फिर जंगल पानी पीने भी वाल तो मैं ले वो नाम सर राय रखा पहाड़ ठंडो पानी पियाली हिट सरु जंगल म्यारा घूमियाली। अब झड़ चाचेरी उन्होंने ना उन समझ में लेकिन नाम सर बड़ी भी हो नहीं भी स्कूल में कहीं बहुत कर दी। अब नारायण नगर त्यार मैच बाबू नारायण स्वामी वाली स्कूल वहाँ इंटर कॉलेज वहाँ हाला तैले एल ठूल ऑफिसर हो चाहिए की कर हगनू आपनू खुद में तैल खुद कुलाड़ी मार मार जंगल पैजी बलबूर जी ने नारी यार नहीं एल कहाँ कहाँ होनी थे तो तू बड़ी तो व्याख्या करनी वाली कहाँ मिलनी एल कदु नुकसान है रे भारत सरकार मालूम सी थे एक मतलब बनने वाली टीचर एल आ कौन बीजा काद बिगाड़ दी पै त्या टाइम को थे बता दे तू पढ़ी मनी पढ़ी लेगी एल मास्टरियन बनी बन जी नहीं बनी को बनी कह दे बिल्कुल बनी है पै ताले बनने वाला हा बिल्कुल मास्टरियन आ गया कौन आपको यही हाल बेचारी चल नाम लिखन सीखी हाल बताए नी सिग्नेचर कर सीखी हाल लिया नहीं आह पिंजिन उन्ना मर है सिग्नेचर कर वेर की करण से नहीं मौज कर रहे अब जी है क्या है कि होता है। तो घड़ियों शाम के बज रहे हैं 5 बजने को है मतलब बजे नहीं है और मैं अभी कद्दू की तलाश में हूँ। एक कद्दू भाई था ऊपर पेड़ में तो इतना ज़्यादा बेटे तो भूल तो क्या हो रखा है फिर बेटे इतने बड़े बड़े कद्दू लगे हैं यार यहाँ तो अभी चूहे ने कुतर रखे हैं पूरे लेकिन जाए कैसे जाएगा भाई। देखो मैं पेड़ में घुस रही हूँ और इस पेड़ में इतनी चींटियाँ होती है ना मतलब इतनी काटती है ना फटाफट तोड़ के ले जानी पड़ेगी नीचे। कद्दू एक तो यहाँ पे है बड़ा सा बाकी ये कद्दू यहाँ क्या लगे हैं फिर ये इतनी दूर से जाने हैं। हमारा घर दिखाई दे रहा है ये देख सकते हैं आप और मैं अभी इतनी ऊंचाई पर आ रखी हूँ ना मतलब अगर यहाँ से गिरी तो समझो मेरी तो डेड बॉडी मिलेगी नीचे पहुँच के। और ये देखो कद्दू छोटा सा हो रखा है इसको तोड़ना है मैंने ये एक तो चप्पल पहन के आ रखी हूँ यार इतनी डर जगह लग रही है मतलब कि पेड़ भी सूखा हुआ है ये पूरा सूखा है मतलब कहीं से इसमें पत्तियाँ नहीं है। पहले से इसमें से हम सोले काटते थे लेकिन इस बार ये पूरा सूख गया है
बूबू काटते थे इसको, मतलब काटते नहीं थे, मैं घर आती थी तो बूबू मुझसे कहते थे काटने को। अब बूबू की डेथ हुई तो पेड़ भी सूख गया है देखो, बाकी इसमें अभी भी कद्दू लग रहे हैं छोटे छोटे। मैं एक नहीं दो दो कद्दू लाई हूँ दोस्तों, एक ये है और एक ये है। अब इनको यहाँ से ले जाना इतना मुश्किल हो रहा है ना, मैं वहाँ से तोड़ के लाई हूँ देखो, और पेड़ इतना सूखा हुआ है। अब इनको दोनों को सुरक्षित नीचे लेके जाना है। पेड़ अभी कुमारों के पौधे जम रखे हैं ये देखो, और मुझ पर क्या चिपक भी गए हैं ना, और चींटियों ने भी काट दिया है, और बड़े बड़े जो कद्दू हैं वो नीचे गिर रखे हैं और उनको चूहों ने खा रखा है। हाय मतलब इतने बड़े पेड़ में चढ़ के भी आ गई हूँ मैं। ओह मम्मी कद्दू गिर गया, बच गया बे। टहनी में अटका अटका के मैंने कद्दू को नीचे पहुँचा ही दिया है, फाइनली मैं पहुँच गई हूँ ज़मीन पर। और देखो ये कद्दू बेचारा, चूहों ने तो ऐसा हल कर रखा है इन कद्दूओं का। ये देखती हूँ अगर ये घर ले जाने लायक है तो, खड़ा नहीं है तो अगर घर ले जाती हूँ, वरना इसका क्या ही होगा। देखो इतना बड़ा है, ये दवा तो बनाएंगे कम से कम, खाएंगे नहीं तो। ओ भाई इतना भारी, चलो इसको ले जाते हैं घर, यार बड़ा तो है यार देखो। तो दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये कद्दू कितने किलो का होगा, 5 किलो से भी ज़्यादा ऊपर का लग रहा है मुझे, इतना भारी हो रखा था ना ये, बाबा हो मेरे वेट से भी ज़्यादा भारी हो रहा है। 10 कद्दू हमारे शायद से हो रहे हैं, कितने हैं, 3 × 3 = 9 = 12 = 15 = 16 कद्दू हो रहे हैं यार। सबसे बड़ा कद्दू इनमें से यही है, इतना भारी इतना वेटेड, और ये ऊपर से नीचे गिरा ना तो थोड़ा सा इसमें बेटा ए रुक 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 लगे हैं तो सीधे बाट, थोड़ा सा स्क्रैच आ रखे हैं यार ये देखो, भयंकर इतने कुमार लग गए हैं ना, पूरे बॉडी में खुजली हो रही है, चींटियों ने भी काट दिया है। उस पेड़ में तो चींटियों का ही अड्डा था वैसे भी पहले से भी, और कद्दू ने तो आज मेरा पूरा सत्यानाश ही कर दिया है। कुमारों से पूरी कपड़े गंदे हो गए, ऊपर से कद्दू लाने में इतनी आफत आई, एक तो दो दो लाई, फिर नीचे को आने में भी अकेले ही नहीं आ पाते हैं नीचे, खुद को ही नहीं ला पाते हैं, फिर कद्दू लाने थे मुझे तो दो दो, इतनी मुश्किल से लाई होंगी मैं सोचो। तो दोस्तों अभी अभी मौसम पूरा बदल चुका है, बारिश आने वाली है मुझे ऐसा लगता है, और मैं इतने बड़े पेड़ में गई थी आप देख सकते हैं, ये पूरा सूखा हुआ पेड़ है और कितना ऊँचा है वो भी देख लो। और आपको दिखाती हूँ शाम का सुंदर सा व्यू, बहुत दिनों से नहीं दिखाया है अपना गांव आपको। तो यार मौसम तो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, लेकिन बहुत ज़ोर से गरज रहा है, देखो बारिश हो भी सकती है। अब तो वैसे भी खेतों के लिए बारिश चाहिए, फिर गेहूं बोएंगे हम लोग। तो अब काटते हैं कद्दू की सब्जी, और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना, और बताना वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को। मिलते हैं एक बढ़िया सी वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।